मैं Y4D को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से एनजीओ के क्षेत्र में एक बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार का कार्य और वैसे ही प्रतिमा Y4D ने तैयार की, और अगर हम मन में चाहे तो सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, इसको यथार्थ में लाने का काम Y4D ने किया। प्रफुल्ल जी, मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा हम लोग देख रहे थे कि विस्तार हुआ है, 20 राज्यों में कार्य चल रहा है, 7 लाख से ऊपर बेनिफिशियरीज आज Y4D के माध्यम से यहां पर हमको दिखाई देते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्य चल रहा है, और विशेष रूप से कॉरपोरेट जगत के साथ जिस प्रकार से कोलैबोरेशन करके Y4D ने एक सकारात्मकता तैयार की है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इसको इंडिया मूवमेंट कॉन्क्लेव कहा है, और आजकल लोग ऐसा कहते हैं कि इंडिया इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ये भारत का मूवमेंट है, और हम भारत के मूवमेंट के बारे में, भारत के क्षण के बारे में जब बात करते हैं, भारत के समय के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मुझे याद है कि मैं अभी जापान गया था, और जापान में वहां के जो प्रधानमंत्री जी के बाद दूसरे क्रमांक के सबसे बड़े मंत्री है, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को और तमाम भारतीयों को बधाई देना चाहता हूं। तो मैंने कहा, बधाई किस लिए देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जो लूनर मिशन भारत ने किया और चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान को उतारकर जिस प्रकार भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बना है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। और आगे चलकर उन्होंने कहा, और ये बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि आज से 3-4 साल पहले जापान ने भी यह प्रयास किया था, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए, भारत सफल हुआ, इसलिए मैं भारत को बधाई देता हूं। और जिस समय लूनर मिशन हमारा एकम्प्लिश हुआ, उस समय मैं जापान में ही था, और वहां से लेकर आगे के 3 दिन तक मैं जापान में था, जिस किसी से मैं मिलता था वो लूनर मिशन के लिए भारत को बधाई देता था। मुझे लगता है कि इंडियाज मूवमेंट क्या है, दिस इज द इंडियाज मूवमेंट। आज हम लोग देखते हैं कि पिछले 9-10 सालों में जिस प्रकार से भारत ने प्रगति की है, सबसे महत्व की चीज अगर कोई होगी तो वी हैव बिकम अ टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी। चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे वो इंडिविजुअल बिजनेसेस हो, हम लोगों ने हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी की। कोई भी ये मानता नहीं था कि भारत में GST सफल हो सकता है। इतने स्टेट्स, इतनी प्रकार की सरकारें, इतने प्रकार के विचार, सब एक दूसरे के खिलाफ, ऐसे समय वन नेशन वन टैक्स,
ये कैसे होगा? और आप में से कईयों को याद होगा कि इट वॉज आर्ग्यूमेंट ऑफ वन वेरी बिग लीडर हु वॉज ऑल्सो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हु यूज टू से दैट द जीएसटी हैज फेल्ड इन 40 कंट्रीज इट्स नेवर गोइंग टू सक्सीड इन इंडिया. लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि भारत में हमने वन मार्केट तैयार किया, भारत में हमने वन टैक्स तैयार किया, और आज जिस प्रकार से जीएसटी के कलेक्शन के बाद हम टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी बने, और जिस प्रकार से देश के टैक्स कलेक्शन के नंबर्स ग्रो हुए, मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र तो जीएसटी कलेक्शन में टॉप पर है. और जिस समय जीएसटी का बिल मैंने महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस किया था, उस समय लोग ये कहते थे कि महाराष्ट्र ये तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, हमारा तो नुकसान होगा. लेकिन जो महाराष्ट्र में वैट अराउंड 75,000 करोड़ था, वो अब करीब 1,35,000 करोड़ तक पहुंच गया है. और इसलिए मुझे लगता है कि दिस इज इंडियाज मूवमेंट.